हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा इंडियन पॉलिटी चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो पार्लियामेंट से रिलेटेड पहले के जो 18 क्वेश्चन हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉवरेनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय। इंडियन पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को कौन सी चीज़ रिस्ट्रिक्ट करती है, कौन सी चीज़ रोकती है, तो वो है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि अगर इन केस कोई ऐसा लॉ बन रहा है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ऐसा लॉ जो होगा वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा बाय द सुप्रीम कोर्ट, राइट। नेक्स्ट है द कोरम ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा की जो मीटिंग्स होती है, जो सेशन होता है, तो वो शुरू करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, जो कार्यवाही होती है जिसको बोलते हैं, तो वो शुरू करने के लिए मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए, तो मिनिमम होने चाहिए 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। जितने भी मेंबर्स है टोटल, उसके 1/10 अगर प्रेजेंट है तो राज्यसभा या लोकसभा की कार्यवाही शुरू करी जाएगी, अदरवाइज नहीं करी जाएगी, राइट। नेक्स्ट है द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। इंडियन पार्लियामेंट में तीन चीजें आती है, एक तो है प्रेसिडेंट, दूसरा राज्यसभा जिसको अपर हाउस बोलते हैं, और तीसरा लोकसभा जिसको लोअर हाउस बोलते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट एवरी ईयर। इकोनॉमिक सर्वे कब प्रेजेंट किया जाता है? बजट प्रेजेंट करने से पहले, बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट फॉर द कमिंग ईयर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हु विल डिसाइड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब देखो, जब हम क्वालिफिकेशंस पढ़ते हैं ना, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस, या कोई भी राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तो उसमें एक जो पॉइंट आता है वो आता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि वो किसी भी जगह पे, किसी भी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वो बंदा काम नहीं करता होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई पर्सन है जो ऑलरेडी किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, या किसी स्टेट में किसी भी पोस्ट पर वो है, या किसी स्टेट के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वो मेंबर है, तो वो पर्सन प्रेजिडेंट नहीं बन सकता जब तक वो अपनी पिछली पोस्ट खाली नहीं कर देता, राइट। या प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, लोकसभा का मेंबर भी नहीं बन सकता, तो कोई भी एक पर्सन वो दो गवर्नमेंट जॉब्स एक टाइम पे नहीं कर सकता, राइट। तो इसको बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये कौन डिसाइड करता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? ये डिसाइड करता है यूनियन पार्लियामेंट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास्ड बाई ईच हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय स्पेशल मेजोरिटी। दोनों हाउसेज में पार्लियामेंट के कौन सा बिल है जो स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है? तो वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? स्पेशल मेजोरिटी होती है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने भी हाउस में प्रेजेंट है उसके 2/3 जो है वो वोटिंग देंगे, तो वो बनती है स्पेशल मेजोरिटी, राइट। और ये जो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग है ना, ये भी टोटल मेंबरशिप का 50% से ज्यादा होना चाहिए, या आप इसको लिख सकते हो 51% होना चाहिए, राइट। तो 50% से ये ज्यादा होना चाहिए टोटल मेंबरशिप का। जैसे कि सपोज हाउस में टोटल कितने मेंबर्स है, हाउस में टोटल 200 मेंबर्स है, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का जो मेजोरिटी बन रही है 2/3 बन रही है, प्रेजेंट कितने है उस दिन 150 है, राइट। 150 का 2/3 क्या हो जाएगा? 150 का 2/3 बन जाएगा 100, राइट। तो ये 100 कितना है? 200 का 50% है, राइट। तो ये 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग तो बन गया, लेकिन टोटल का 50% नहीं बन रहा, राइट। तो 101 मेंबर होने चाहिए इस केस में, राइट। तो 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग विच इज मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, तो ये होती है स्पेशल मेजोरिटी, राइट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए।
नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू इनिशिएट द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इम्पीचमेंट का जो मोशन होता है, दोनों में से किसी भी हाउस में शुरू हो सकता है. बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हो गया. नेक्स्ट है, इफ ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बिकम्स डिसक्वालिफाइड फॉर मेंबरशिप, द डिसीजन ऑफ हिज रिमूवल इज टेकन बाय. अब पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर अगर मेंबरशिप के लिए डिस्क्वालिफाई हो जाता है, तो उसका जो डिसीजन होता है वो कौन लेता है? उसका डिसीजन लेता है प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन से प्रेसिडेंट ये डिसीजन लेता है. नेक्स्ट है, हु डिसाइड डिस्प्यूट रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी वर्डिंग चेंज हुई है. तो कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अब ये मेंशन कहाँ पे है? ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 103 में, राइट. नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्ड. सबसे पहली पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कौन सी कंट्री में बनी थी? तो वो बनी थी ब्रिटेन में. उसके बाद ब्रिटेन की जो कॉलोनीज थी, उन्होंने उस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कॉपी करना शुरू कर दिया धीरे धीरे. नेक्स्ट, सेक्रेटरिएट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज. अब जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का जो लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, दोनों का अलग अलग सेक्रेटरिएट स्टाफ होता है, राइट. तो ये किसके अंडर काम करता है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स. नेक्स्ट, विच नॉन मेंबर कैन पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. तो अटॉर्नी जनरल है, जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, बट वो पार्लियामेंट के बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स अ हंग पार्लियामेंट. हंग पार्लियामेंट क्या होती है? हंग पार्लियामेंट होती है जब पार्लियामेंट में किसी भी पार्टी की कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं बनती. जैसे लोकसभा की इलेक्शन हुई, इलेक्शन होने के बाद कोई भी पार्टी जो है वो 50% से ज़्यादा वोट्स नहीं ले पा रही, तो उस केस में वो जो गवर्नमेंट होती है उसको बोलते हैं, वो जो पार्लियामेंट होती है उसको बोलते हैं हंग पार्लियामेंट. तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, अ पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी. नेक्स्ट, द यूनियन बजट इज लेड बिफोर द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल नंबर - ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल नंबर 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 112 में यूनियन बजट के बारे में लिखा हुआ है. नेक्स्ट, द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटी. अब इंटरनेशनल ट्रीटी कोई हुई है इंडिया की, किसी भी कंट्री के साथ इंटरनेशनल ट्रीटी हुई है, तो उस केस में उस ट्रीटी को अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट करने के लिए, जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी ट्रीटीज होती रहती है, तो उसमें इंडिया को भी टारगेट्स दिए जाते हैं, तो उस ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारी जो पार्लियामेंट है उसको स्टेट की कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती. स्टेट के कंसेंट के बिना वो उस ट्रीटी के जो रूल्स है वो स्टेट में लागू कर सकती है पार्लियामेंट, राइट. तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, विदाउट द कंसेंट of any state. Next, in what ways does the Indian Parliament exercise control over the administration? अब Indian Parliament administration पे कैसे control करती है? Parliamentary committees के through. Parliamentary committees की बात करें तो एक तो होती है standing committee, एक आती है standing committee, दूसरी आ जाती है ad hoc committee. एडहॉक कमेटी, इसके अलावा कुछ अदर कमेटीज भी रहती है, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होगी, एस्टिमेट कमेटी होगी. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है स्टैंडिंग एंड एडहॉक कमेटी में? जो स्टैंडिंग कमेटी होती है ना, ये परमानेंट नेचर की होती है, ये परमानेंट है, ये अपना काम करती रहती है. एडहॉक कमेटी क्या होती है? एडहॉक कमेटी किसी पर्टिकुलर मैटर पे डिस्कस करने के लिए बनाई जाती है और ये टेम्परेरी नेचर की होती है. जैसे ही मैटर जो होता है वो क्लोज हो जाता है, उसके साथ ही जो कमेटी होती है, एडहॉक कमेटी जो भी बनाई जाती है वो भी खत्म हो जाती है, राइट. तो एडहॉक कमेटी टेम्परेरी नेचर की होती है और स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट नेचर की होती है, राइट. नेक्स्ट चलते हैं, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू. लिस्ट वन में कंट्री का नाम दे रखा है, लिस्ट टू में पार्लियामेंट का. नीदरलैंड की पार्लियामेंट का नाम क्या है? स्टेट्स जनरल. यूक्रेन की पार्लियामेंट का नाम है सुप्रीम काउंसिल. पोलैंड की पार्लियामेंट का नाम है सेजम. और जापान की पार्लियामेंट का नाम है डाइट. नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग शैल कॉज एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. अब रिकमेंड कौन करता है फाइनेंस कमीशन को
दोनों हाउसेस के आगे लाने के लिए, तो ये रिकमेंडेशन होती है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बजट कौन लेकर आता है, बजट कौन तैयार करता है, कौन प्रेजेंट करता है, प्रेजेंट करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।